बिसमिल्ल रहाम स्टूडेंट्स अब हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास पहली एग्ज़ाम्पल ये है द स्पेस आर विद ए यूजल मीट्रिक इज़ ए कंप्लीट स्पेस द स्पेस आर आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स रियल लाइन ये जो रियल लाइन है विद यूजुअल मीट्रिक यूजल मीट्रिक का मतलब जो हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं डी एक्स माइनस वाई मॉड ठीक है यानी कि मिट्रिक हमने ये डिफाइन की थी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड इस मिट्रिक इस को क्या कहते हैं इसको यूजर मिट्रिक कहते हैं इज ए कंप्लीट स्पेस ये क्या है ये एक कंप्लीट स्पेस है दैट इज ए कंप्लीट स्पेस लेट एक्स एन बी ए कॉशी सिक्वेंस इन आर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं इस आर के अंदर एक काशी सिक्वेंस कन्सिडर कर लेते हैं अब जब हमने एक काशी सिकवेंस जो है वो कंसिडर की तो हर काशी सिक्वेंस बेसिकली क्या होनी चाहिए कन्वर्जेंट होनी चाहिए किसके लिए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के लिए तो इसलिए हमने क्या किया है एक काशी सिक्वेंस जो है वो कंसिडर की आर के अंदर अगर ये काशी सिक्वेंस है तो काशी सिक्वेंस की अब हम डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि फॉर एनी एप्सलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एन नाड देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एन नॉड सच दैट फॉर ऑल एम एन यानी कि दो कोई से भी दो नेचुरल नंबर हो तो एम एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन वो एम एन उस जो हमने नंबर लिया है एन नाड उससे ग्रेटर हूँ तो दिस एम्प्लाइज दैट मीट्रिक ऑन दिस इज़ लेस देन एप्सेलॉन यानी कि डी एक्स एम एक्स एन दैट इज लेस देन एप्सेलॉन क्योंकि मीट्रिक जो है वो आर के अंदर यूजुअल मीट्रिक की बात हुई है तो यूजुअल मीट्रिक की डेफिनेशन हमने अप्लाई की कि ये एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड इज लेस देन एप्सेलॉन तो ये तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने एक काशी सिक्वेंस कंसिडर की और उसकी डेफिनीशन जो है उस उसको लिख दिया अब हम हमारा काम यह है कि हम क्या करेंगे एक सब सीक्वेंस इससे बनाएंगे हम क्या बनाएंगे इससे एक सब सीक्वेंस बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए इस वन को यूज़ करते हुए अब हम एक सब सीक्वेंस जो है वो जनरेट करेंगे अब उसके लिए हम क्या करते हैं हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई टू की वैल्यू क्या है वन बाय टू है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू वन बाई टू है हमारे पास तो देन लेट एन नॉट बी दी स्मॉलेस्ट ऑफ़ द नेचुरल नंबर्स फॉर विच कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड जिसके लिए कंडीशन वन सेटिस्फाई होती है फॉर दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इसी तरह फिर हम क्या करेंगे एप्सिलॉन को वन ओवर टू का स्क्वायर लेंगे और फिर करस्पांडिंग एन नॉट जो है उसको हम एन वन को डिफाइन कर लेंगे इसके लिए करस्पॉन्डिंग एन नॉट डिफाइन किया इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो है वो एन वन हम जो है वो क्या करते हैं डिफाइन कर लेते हैं कंटिन्यूइंग इन दिस वे लेट के बी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड फॉर एप्सलॉन इज इक्वल टू वन ओवर टू रेज टू पावर के माइनस वन अगर आप ये देखें तो ये इधर अगर हम जो है वो वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो तो होता है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन लेकिन यहाँ पे हम जो है वो अगर टू पोट करते हैं के की वैल्यू तो टू माइनस वन क्या आएगा ये वन आएगा तो ये वन बाई टू बन जाएगा थ्री पोट करें तो ये टू का जो है वो स्केयर बन जाएगा एंड सो ऑन इस तरह जो है वो हमारे पास ये, ये इसी कंटिन्यूटी के अंदर हम ये नंबर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं एन वन एन टू एन थ्री और इन नंबर्स की आपस में जो रिलेशन है वो ये वाली है इन नंबर्स के आपस में रिलेशन क्या है कि एन वन इज़ लेस देन इक्वल टू एन टू एन टू इज लेस देन इक्वल टू एन थ्री एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू एन अब इस इस बुनियाद पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गई है एक सब सीक्वेंस बन गई है अब ये देखिए सीक्वेंस में बेसिकली होता क्या है सीक्वेंस में नेचुरल नंबर ही होते हैं नेचुरल नंबर में फ़र्ज़ करें वन टू थ्री फोर ठीक है यानी कि फर्स्ट टर्म ए वन है सेकेंड टर्म ए टू है थर्ड टर्म ए थ्री है एंड सो ऑन तो ये भी स्टूडेंट्स हमने क्या बनाया नेचुरल नंबर्स ही बनाए हैं एन वन एन टू एन थ्री तो इससे भी क्या बनेगी ये एक सीक्वेंस ही बनेगी और ये सब सीक्वेंस है ऑफ एक्स एन हमें जो है वो क्या शो करना है वी शो दैट एक्स एन के कन्वर्जेज टू ए पॉइंट एक्स ऑफ आर यानी कि ये जो एक्स एन के है ये प, ए, इस पॉइंट को जो है वो क्या करती है कन्वर्ज करती है ये हम जो है वो प्रूव करते हैं वी शो दैट एक्स एन के कन्वर्जेज टू ए पॉइंट एक्स ऑफ आर ये अब हमने एक सारा काम करना है ये जितना भी आगे काम करेंगे इसमें कि एक्स एन के X, N, K, ये जो सब सिक्वेंस हमने बना रहे हैं ठीक है ये एक्स को कन्वर्ज करे इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल्स जो हैं वो ले लेते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन किए हैं आई के आई के में लेफ्ट हमारे पास ये नंबर है और राइट ये है इसमें क्या है बेसिकली ये जो एक्स एन के है एक्स एन के इसमें इधर हमने माइनस कर दिया है वन ओवर टू रेज टू पावर के को और इधर हमने ऐड कर दिया है वन ओवर टू रेज टू पावर के को अब जो है के की वैल्यू क्या है के की वैल्यू है वन टू थ्री एंड सो ऑन अब इस आई के से अगर हम क्या लिखें आई के प्लस वन तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है जहाँ पे के है उसकी जगह पे के प्लस वन को रिप्लेस कर दें इधर हमारे पास के है तो इसकी जगह पे क्या करें के प्लस वन रिप्लेस कर दें इधर के है तो इधर के प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे के है तो इसकी जगह पे के प्लस वन आ जाएगा ये के है तो इसकी जगह पे जो है वो क्या आ गया के प्लस वन यानी कि हमने के को के प्लस वन से जो है वो रिप्लेस कर दिया अब हमारे पास दो क्लोज्ड इंटरवल हैं एक आई के और एक आई के प्लस वन इसके हमने जो है वो नेस्टेड इंटरवल्स हैं वो उसके अंदर इसको लेके जाना है ठीक है नेस्टेड क्लोज इंटरवल कौन सा नेस्टेड क्लोज इंटरवल और जो थ्योरम uh, है उसको आगे हमने अप्लाई करना है बर वी प्रूव दैट आई के इज ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स बाई शोइंग दैट इसमें आई के को हम क्या शो करना चाहते हैं कि ये नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है और नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल में जो है वो उसकी जो कंडीशंस हैं उनको हम यहाँ पे आप जो है वो क्या करेंगे प्रूव करेंगे अब इसमें ये देखें कि आई के प्लस वन इज़ कंटेंड इन आई के आई के प्लस वन हर अगला नंबर जो है वो इसका वो इसके अंदर जो है वो क्या है कंटेंड है अब एक्स एन हम जो है वो बात कर चुके हैं कि एक्स एन जो है वो क्या है हमारी कौशी सीक्वेंस है एक्स कौन सी सीक्वेंस है काशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब यह है कि इसकी ये जो सब सीक्वेंस है ये बी काशी, काशी, काशी सीक्वेंस है कंडीशन वन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के प्लस वन हम सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे एन की जगह पे एन के को रिप्लेस कर देते हैं और एम की जगह पे एन के प्लस वन को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इससे पहले हमने ये जो है वो एक्स एम माइनस एक्स एन जो है वो लिखा हुआ था अब जो है वो इसकी जगह पे हम इसकी रिप्लेसमेंट करें तो ये लेस देन क्या आ जाएगा वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन अब हम जो है वो इस बुनियाद पे स्टूडेंट्स इस इसको ये जो मार्ड की प्रॉपर्टी है इसको पहले जो है वो ओपन करते हैं मार्ड की प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स रिज़ल्ट है इससे पहले हम जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं कि x एक्स माइनस ए मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है म, ए, x माइनस ए और ये माइनस डेल्टा इधर होगा और प्लस डेल्टा इधर होगा फिर a को तो, एड कर दें तो a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा आएगा ये रिलेशन बनती है इसके मुताबिक हम इसको भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे ओपन करेंगे इसको जो है वो ओपन करें तो इसको इसे हम क्या लिख सकते हैं ये बेसिकली हमारा एक्स है ये क्या है एक्स है एक्स एन के प्लस वन माइनस एक्स एन के ठीक है इधर जो है वो ये क्या आएगा माइनस में माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन और इधर आएगा वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन ठीक है जी अब मैं क्या करता हूँ इस एक्स एन के को जो है वो दोनों ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ तो ये क्या आ जाएगा एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन अब ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ गई इस रिलेशन से हम बेसिकली वो जो नेस्टेड इंटरवल्स हैं उनको जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं प्रूव क्या करना है हमने कि आई के प्लस वन इज़ कंटेन्ड इन आई के ये इसके अंदर जो है वो क्या है कंटेंट है ये हम जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं अब इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले अगर मैं इस साइड को जो है वो लेट कर लूँ इस साइड को तो कंसिडर कंसिडर एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन इज लेस देन एक्स एन के प्लस वन अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं एक वैल्यू को वो क्या कि एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के माइनस टू रेज टू पावर के प्लस वन इज़ लेस देन एक्स रेज टू पावर एन के प्लस वन अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों इन दो क्वांटिटीज़ को जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ इन दो क्वांटिटीज़ को मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसके लिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ टू से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूँ तो इससे क्या आ जाएगा यह हमारे पास यह वैल्यू बनेगी एक्स इसको मैं इधर लिख देता हूँ ये अब क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास एक्स एन के एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आता है स्टूडेंट्स टू रेज टू पावर के प्लस वन ठीक है और ये टू रेज टू पावर के टू कैंसिल होगा तो टू आएगा और ये माइनस वन इज लेस देन एक्स एन के प्लस वन अब ये टू माइनस वन वन होता है तो ये आ गया एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज़ टू पावर के इज़ लेस देन एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन और इसको अगर जो है वो मैं क्या कह दूँ टू कह लेते हैं ठीक है अभी मैंने ये क्या लिखा एक्स एन के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के एक्स एन के माइनस टू वन ओवर टू रेज टू पावर के इज़ लेस देन एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन फिर क्या करते हैं अब अब हम जो है वो इस इस रिजल्ट को जो है वो ले आते हैं इसको कंसिडर करते हैं ठीक है जी इसको अगर आप कंसिडर करें तो एक्स एन एक्स एन के प्लस वन इज लेस देन लेस देन एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन अब इसके लिए भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है एक्स एन के प्लस वन इज लेस देन एक्स एन के इधर हम जो है वो आ, क्या करते हैं ऐड भी कर देते हैं और सपरेट भी कर देते हैं किसको प्लस वन बाय टू रेज टू पावर के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन आ जाएगा अब हम क्या करते हैं ये एक्स एन के प्लस वन इज लेस देन एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के अच्छा अब इसका एलसीएम ले लिया जाए तो इसका एलसीएम क्या आएगा टू रेज टू पावर के प्लस वन ये टू रेज टू पावर के माइनस टू आ जाएगा प्लस और इधर जो है वो आ जाएगा वन तो इस तरह ये बनेगा एक्स एन के प्लस वन इज़ लेस देन एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन और इसको अब मैं क्या करता हूँ इसे मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ अब लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये क्या बनेगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स रेज टू पावर एन के प्लस वन प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर k प्लस वन इज़ लेस देन एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के और इसको मैं क्या कह लेता हूँ थ्री कह लेता हूँ इसको क्या कह लेते हैं थ्री कह लेते हैं अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो नोट करें तो अगर हम ये टू और थ्री को जो है वो क्या करते हैं कंबाइन करते हैं लेस देन एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन डेफिनेटली ये एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन है ये किससे लेस होगा दैट इज लेस देन लेस देन एक्स एन के एक्स एन के प्लस वन प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन से और ये किससे लेस है ये क.. ये लेस है के प्लस वन ये लेस है ये देखें एक्स रेज टू पावर एन के प्लस वन प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन इज लेस देन एक्स रेज टू पावर एक्स एन के प्लस वन ओवर टू रेज टू पावर के तो अब अगर आप यहां पे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें तो ये जो इंटरवल है एन, ए, के प्लस वन वाला ये इसके अंदर आ गया है ये इस इंटरवल के अंदर आ गया है इसका मतलब ये है कि ये जो आई आई ए, के प्लस वन है ये किस में कंटेंड है आई के में कंटेंड है ठीक है आई के प्लस वन इज कंटेंड इन आई के ठीक है जी अब हमने क्या प्रूव करना है कि एक कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई क्लोज इंटरवल्स के लिए कि ये नेस्टेड इंटरवल हैं ये क्या हैं ये नेस्टेड इंटरवल हैं अब हमने इसके प्रूव करना है कि जो डाया है वो अप्रोचेज़ टू एज एन अप्रोचेस टू या के अप्रोचेस टू इन्फिनी अगर जो है वो एन या के अप्रोचेज टू इन्फिनी है तो इसका डाया जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है तो डाया है किसके स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसका जो डायमीटर है आई के डायमीटर ऑफ आई के वो क्या बनता है वन ओवर टू रेज टू पावर के माइनस वन है टू रेज टू पावर के माइनस वन दिस अप्रोचेज़ टू जीरो एज के अप्रोचेज़ टू इनफिनिटी क्योंकि वन ओवर टू रेज टू पावर ये इनफिनिटी वन ओवर इनफिनिटी ज़ीरो होता है या एज़ ए होल पावर ले जाएं तो वन बाय टू जो क्योंकि वन से लेस है तो जितनी पावर उसकी इंक्रीज होती जाएगी उस वो लेसर होता जाएगा और वो जीरो को अप्रोच करेगा इसका मतलब ये हुआ कि आई के जो है वो विच शोज दैट दोनों कंडीशंस पूरी पूरी हो गई तो विच शोज दैट आई के आई के इज ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स ठीक है ये क्या है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल है अब अगर हम जो है वो अब प्रॉपर्टी यूज करें कैंडर थ्योरम की तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द नेस्टेड क्लोज इंटरवल्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नेस्टेड क्लोज्ड इंटरवल्स इन दी कैंटर थ्योरम कैंटर थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन कैंटर थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन इसे हम जो है वो पहले डिस्कस करके आ चुके हैं वो क्या है कि इंटरसेक्शन कैंटर थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको तो ये इंटरसेक्शन होती है किसकी इसकी इसकी आई के के इज़ इक्ल टू वन टू इन्फिनिटी इज़ नॉन एम टी इज़ नॉन एम ये जो है वो नॉन एम है यानी कि कम से कम जो है वो इसकी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट जो है वो लाई करता है कम से कम इसकी इंटरसेक्शन में क्या करता है एक एलिमेंट लाई करता है उस एलिमेंट को हम ये कह लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ के इज़ इक्वल टू वन टू इनफिनिटी आई के एक्स एलिमेंट है जो इसकी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो अगर एक्स इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो देन एक्स बिलोंग्स टू आई के ईच के इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन हर के के लिए जो है वो इसमें मौजूद होगा एक्स जो है वो हर आई के, के अंदर मौजूद होगा हर इंटरवल के अंदर जो है वो मौजूद होगा ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस एक्स बिलोंग्स टू सिंस एक्स बिलोंग्स टू आई के फॉर ऑल के फॉर ऑल के तो यहाँ से अब हम जो है वो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स एन के माइनस एक्स मॉड वो लेस देन वन ओवर टू रेज टू पावर के प्लस वन है वो क्या है लेस देन फॉर ऑल के तमाम के के लिए अब ये कंडीशन जो है वो क्या होती है ये फोल्ड होती है इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है इसकी जो लिमिट है लिमिट एन के अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी एक्स एन के वो एक्स है के अप्रोचेज़ टू इनफिनिटी एक्स एन के दैट इज़ एक्स और ये भी हमें पता है कि ये जो है वो अगर इसकी लिमिट जो है वो एक्स है और जो काशी सिक्वेंस है उसकी ये जो कन्वर सब सिक्वेंस ली है ये क्या आ गई है कन्वर्जेंट आ गई है ठीक है सिंस एक्स एन इज़ ए काशी सिक्वेंस अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सिंस सिंस एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस हैविंग ए कन्वर्जेंट हैविंग ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स एन के विच कन्वर्जेज टू एक्स देन विच कन्वर्जेज टू एक्स देन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन इज ऑल्सो एक्स तो फिर इसकी लिमिट भी जो है वो क्या है एक्स ही है फिर इसकी लिमिट की भी क्या है एक्स ही है इसका मतलब यह हुआ एवरी कॉशी सिक्वेंस इन आर कन्वर्जेज टू ए पॉइंट ऑफ आर विच शोज दैट विच शोज दैट एवरी कॉशी सिक्वेंस इन एक्स एवरी कॉशी सिक्वेंस इन एक्स एक्स यहाँ पे अब हमारे पास रियल लाइन है इन आर कन्वर्जेज टू ए पॉइंट ऑफ आर कन्वर्जेज टू ए कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ आर हैंस द स्पेस आर हैंस द स्पेस आर विद द यूज मिट्रिक विद द यूज मिट्रिक इज ए कम्प्लीट स्पेस इज ए कम्प्लीट स्पेस ये क्या है हमारे पास कम्प्लीट स्पेस है इसके बाद जो है वो हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़